हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी अपनी रसोई में। और दोस्तों, आज हम मीठा रायता बनाएंगे। गर्मी में बहुत ही टेस्टी लगता है जब हमारे घर में कोई स्वीट डिश नहीं होती है और अचानक से मेहमान आ जाए या मीठा खाने का मन करे, तो आप इसको झटपट और जल्दी से बना सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा सामान भी नहीं लगता है और ये बहुत जल्दी बन जाता है। तो चलिए देखते हैं इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। ये दोस्तों, मैंने 200 ग्राम दही लिया है और थोड़ी सी मैंने बूंदी ली है और मैंने पिसी चीनी ली है। अगर आपके पास पिसी चीनी नहीं है तो आप नॉर्मल चीनी से बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्पून से ये दही को इस तरह फेंट लेते हैं। और आप इस तरह नहीं फेंटना चाहते हैं तो आप जो मथनी आती है आप उससे कर सकते हैं। अब दोस्तों, हम इसमें बूंदी को डाल देंगे और बूंदी को डालने के बाद इसमें एक बार और अच्छे से मिक्स करते हैं। अब दोस्तों, मिठास के लिए हम इसमें डालेंगे चीनी। चीनी आप अपना कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जितना आपको मीठा चाहिए या जितना कम मीठा चाहिए। और दोस्तों, ये रायता हमारा बनके तैयार हो गया है। और ये दही मीठे रायते के लिए खट्टी नहीं होनी चाहिए, ये सादा दही का बहुत ही टेस्टी रायता लगता है। तो देखिए दोस्तों, अब हम इसको कटोरी में डाल लेते हैं। देखिए दोस्तों, हमारा मीठा रायता बनके तैयार हो गया है। और ये कितनी झटपट बनने वाली रेसिपी है। और ये दोस्तों, जितना झटपट बनने वाला है उतना ही ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। इसको आप कभी भी बना के खा सकते हैं, दिन में या शाम को या मेहमान के आने पर। तो अगर हमारे मीठे रायते की वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं दोस्त अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।